नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक टॉक्स में। मैं आपका होस्ट हूं दोस्त अखिल चौधरी। गाइस, आज मैं आपके लिए फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई नए अपडेट्स लेके आया हूं। तो चलिए गाइस, सीधा वीडियो पे चलते हैं। पहला अपडेट आया हमारा रॉकवेल ऑटोमेशन से रिलेटेड। सो गाइस, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑटोमेशन मशीनरीज प्रोवाइड करती है हमारे बिग 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 फूड इंडस्ट्री को। ऐसे ही इन्होंने एक वेबिनार अभी करा था कल, तो उन्होंने उसमें सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इंक्लूड थी, जैसे कोका कोला होगी, ब्रिटानिया होगी, नेस्ले होगी, ये सारी चीजें इंक्लूड थी जिन्होंने बात करी हम, जो कि है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। मतलब ये जो कम प्राइस में आपको मिल जाए, जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं कहूँ तो 10 रुपए में जैसे मैगी मिल जाती है 12 रुपए में। तो गाइस, ये उन्होंने इस पे कुछ डिस्कशन करी और उन्होंने कुछ सोचा उन्होंने ध्यान से कि कैसे हम COVID-19 को देखते हुए अपनी मशीनरी को ऐसा डेवलप करें जिसमें से हमारा ह्यूमन कंटेंट कम से कम लगे। तो इससे होगा क्या गाइस, उन्हें लॉस भी कम होगा और उनकी जो मशीनरीज हैं वो सेफ भी रहेंगी ह्यूमन के साथ साथ COVID-19 से। सो गाइस, इससे अगला अपडेट आता हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड को लेके। गाइस, न्यूट्रास्यूटिकल फूड एक ऐसे फूड है जो कि एक पेशेंट को देने वाले सप्लीमेंट्स होते हैं, एक तरह का फूड मटेरियल होता है, जैसे सीरम्स हो गए, और छोटे मोटे पाउडर्स हो गए, और जिसके अंदर नॉर्मली विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज हो जाती है। तो वो पेशेंट को दिए जाते हैं ताकि वो बीमारी से जल्दी रिकवर हो सके, जो कि आजकल की टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। लगभग अगर आप देखा जाए तो जापान एक डेवलप कंट्री है और उसकी मांग 25% तक है, और हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री और इसकी भी डिमांड 25% तक पहुंच गई है। सो गाइस, देख सकते हैं इसका बिजनेस कितनी जल्दी इंक्रीज होने वाला है। तो अगर हम इसकी रेवेन्यू की गाइस मैं बात करूं तो 2008 में $1 बिलियन था और अब 2018 में $4 बिलियन तक इसकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अभी इंडिया में। FSSAI ने इनसे कुछ रूल और रेगुलेशन लगाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री हो चुकी है। तो उन्होंने कुछ बताया, आर्टिकल्स दिए, कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ लाइसेंस इशू करने को कहा कि जिसके अंदर आप अपना फूड प्रोडक्ट मटेरियल बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे सीरम और जो भी छोटे मोटे इनके मिनरल्स प्रोडक्ट होते हैं विद इन थ्री मंथ के अंदर वो खराब हो जाते हैं, एक्सपायरी हो जाता है। तो करके इसके रिगार्डिंग FSSAI ने गाइडलाइन प्रोवाइड करी है। इससे अगला अपडेट आता है हमारे टाटा चा की तरफ से। गाइस, टाटा चा ने क्या करा है, अपना ऐप लॉन्च करा है टाटा चाय, जो आपको इधर दिख रहा होगा। तो उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी बेवरेजेस की शुरू कर दी है, अपने चाय की शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम COVID-19 की इफेक्ट समझ सकते हैं कैसे अपने फूड इंडस्ट्रीज अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ऐप लॉन्च कर रही है और कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रही है थ्रू ऐप। तो गाइस, अगला अपडेट आता है हमारा FSSAI की तरफ से। उन्होंने एक न्यू गाइडलाइन प्रोवाइड करी है न्यू मैन्युफैक्चर के लिए, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस लेना हो तो फॉस्कोस का इस्तेमाल करना पड़ेगा न्यू गाइडलाइंस के रिलेटेड। अगर गाइस कोई भी न्यू मैन्युफैक्चर ये मेरी वीडियो देख रहा है तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि FSSAI ने क्या न्यू लाइसेंस और क्या न्यू गाइडलाइंस लॉन्च करी है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, गाइस जरूर चेक करना इस पे आपको। हमारा यूवी रेज को लेके, यूवी रेज को टेस्ट कराया गाइस कुछ डॉक्टरों ने कि क्या ये COVID-19 को मार सकता है। तो गाइस, फूड इंडस्ट्री में तो यूवी रेज काफी देर से चली आ रही है, तो आजकल कुछ इंडस्ट्रीज यूवी रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं फूड प्रोडक्ट के लिए। तो करके PGI डॉक्टर ने ये रिसर्चेस करी है, तो रिसर्चेस के दौरान जो भी हमारे टेस्ट थे वो पॉजिटिव आए कि यस, हम वी कैन यूज दिस यूवी रेज टू किल द कोरोना वायरस सेल्स, क्योंकि ये सीधा उसके न्यूक्लियोटाइड्स और DNA को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से सेल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ तो कुछ PGI डॉक्टर ने और भी अपडेट करे थे, जैसे हम गोलगप्पा खा सकते हैं कि समोसा खा सकते हैं। तो गाइस, बिल्कुल आप खा सकते हैं अगर क्योंकि ये सारी चीजें अबव 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बनती हैं, 200 अबव डिग्री सेल्सियस में COVID-19 के सेल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बस ध्यान रखने की बात यह है कि आपको जो भी पैकेजिंग मटेरियल हो फुली सैनिटाइज हो, लेकिन उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा फूड प्रोडक्ट का। अगर हमने फूड प्रोडक्ट COVID-19 पॉजिटिव प्रोडक्ट के साथ मिला कर खा दिया तो कुछ फायदा नहीं होगा। फूड प्रोडक्ट जो भी तला जाता है, फ्राइड होता है, वो हम उसे खा सकते हैं क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे कुक होता है। और अगर हम बात करें तो आजकल मैप और यूवी रेज का इस्तेमाल करने लग पड़े हैं जो स्वीट शॉप है, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है, जैसे कोली फ्लावर है
उसे उसके अंदर हम यूवी रेज को इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो रफ सर्फेस होती है, ये ओनली यूज फॉर अ प्लेन सर्फेसिस, जो बिल्कुल प्लेन सर्फेसिस और यूवी रेज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और छोटे बड़े बड़े शॉप्स वाले हैं, वो नॉर्मली यूवी रेज और मैप की पैकेजिंग यूज करने का, मैप होता है इस मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक पैकेजिंग, जिसकी वजह से हम एटमोस्फेयर को मॉडिफाई करके पैकेजिंग करी जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एफिशियंट होता है ये फूड फूड के लिए, और बिल्कुल भी इसमें से आप कह सकते हैं COVID-19 जैसे एंटर नहीं कर पाते हैं। तो वैसे अगला अपडेट आता है हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कि 7 जून को था, जिसके में एक वेबिनार हुआ था जिसमें से काफी स्टेट ने रैंकिंग दी है कौन सा फूड स्टेट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है फूड सेफ्टी को रिलेटेड, और कुछ COVID-19 के रिलेटेड उन्होंने कुछ बात करी है कैसे हम सेव कर सकते हैं अपने फूड को, कैसे नहीं कर सकते। बस यही थे मेरे कुछ अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करते हो जाना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।